माँ का अंतरंग परिचय। बांकुड़ा जिले के जयराम बाटी ग्राम में 22 दिसंबर 1853 ईस्वी बृहस्पतिवार के दिन श्री माँ ने जन्म ग्रहण किया। उनके पिता का नाम रामचंद्र मुखोपाध्याय तथा माता का नाम श्यामा देवी था। माँ अपने जन्म की बात इस प्रकार बताया करती थी, मेरा जन्म भी तो उन्हें श्री राम कृष्ण के समान हुआ था। मेरी माँ शिहर में देव दर्शन को गई थी, लौटते समय अचानक शौच की इच्छा से वे मंदिर के निकट ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। शौच आदि तो कुछ हुआ नहीं, पर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके उदर में कोई वायु प्रवेश कर जाने से पेट भारी हो उठा है। माँ अभी बैठी हुई थी कि उन्होंने देखा लाल रंग के रेशमी वस्त्र पहने 5-6 वर्ष की एक अत्यंत सुंदर बालिका पेड़ से उतरकर उनके समीप आई और पीठ की ओर से अपनी कोमल बाहें उनके गले में डालकर बोली, मैं तुम्हारे घर आऊंगी माँ। तब माँ अचेत होकर गिर पड़ी, लोग उन्हें पकड़कर उठा लाए। उस बालिका ने ही माँ के उदर में प्रवेश किया था और उसी से मेरा जन्म हुआ। घर लौटकर माँ ने यह घटना बताई थी। माँ के पिता उस समय किसी कार्यवश कलकत्ते गए हुए थे, लौटकर उन्होंने ये बातें सुनी। तब से माँ का जन्म होने तक उन्होंने पत्नी के शरीर का स्पर्श किया था यह सुना नहीं जाता। सुना है कि माँ के पिता उन्हें देवी के समान भक्ति श्रद्धा करते थे। माँ की माँ ने एक बार योगिन माँ से कहा था, गर्भावस्था में कैसा रूप हो गया था, सिर के बाल संभाले में नहीं आते थे। उस बार गर्भावस्था में कितने ही लोगों ने वस्त्र दिए थे। जयराम बाटी में जहाँ इस समय मंदिर है वहीं माँ का जन्म स्थान था। रहने का कमरा उत्तर की जमीन पर था, पूर्व की ओर एक दो कमरे का कुटीर था, बीच में दीवार थी, बाहर का भाग खुला था और भीतर का भाग ढका हुआ था। दक्षिण की ओर रसोई घर ढेकीशाला आदि थे। माँ ने बताया था पुराने जन्म वाले घर में विवाह हुआ था। अपने 9 वर्ष की आयु में मैं नए घर जो अब वरदा मामा का मकान है में आई, उस घर में पूरा नहीं पड़ता था। माँ के पिता निर्धन होकर भी अत्यंत निष्ठावान थे और माता विशेष भक्तिमती तथा कर्तव्य परायणा थी। माँ अपने शैशव में गरीब की संतान के समान ही लालित पालित हुई थी। भोजन आदि पकाने में वे अपनी माँ की सहायता करती। हम लोगों को उन्होंने बताया था, बचपन में मैं गले भर पानी में उतरकर गायों के लिए चारा काट लाती थी, खेत में मजदूरों के लिए मुरमुरे लेकर आती थी। एक बार कीड़ों ने सारे धान काट दिए थे, उस बार मैंने खेतों में जाकर धान बीने थे। बचपन में छोटे भाइयों की देखभाल करना ही माँ का प्रमुख कार्य था। उन्होंने बताया था भाइयों को लेकर गंगा नहाने जाती, आमोदर नदी ही मानो हमारी गंगा थी। गंगा स्नान करने के बाद वहीं बैठकर मुरमुरे खाने के बाद उन्हें साथ लिए मैं घर लौटती। मुझे सदा से ही गंगा से थोड़ा लगाव रहा है।